अमित भाई, इसके बाद मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के चुनाव आएंगे जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनली आप लोग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इन दोनों जगहों में आप गलत फहमी में हैं। स्ट्रांग ही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन मुर्शिदाबाद नहीं, आपकी गलतफहमी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। दोनों जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। आप पूछिए। नहीं सर, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता, ये जो कलकत्ता सिटी है और मुर्शिदाबाद है, ये दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आप लोगों के इतने बड़े गेंस हुए नहीं थे 2019 में और अच्छे नंबर ऑफ सीट है वहाँ पे, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या साथ? 2019 के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बंगाल की जनता का मूड भी बहुत परिवर्तित हुआ है। 2019 में सबके मन में शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। जब 18 सीट जीते तब ये शंका निर्मूल हो जो गई है। मानो हर चरण में जिस प्रकार से ये सीटें भी आती है, दक्षिण कलकत्ता की भी सीटें तीसरे चरण में आई है, उसके ट्रेंड मेरे पास है, बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है।